सो हेलो गाइस, डिनर इज नाउ एंड वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। तो गाइस अभी अपनी ट्रेन निकल चुकी है कल्याण से, और अभी क्योंकि गाड़ी का जो रैक है ना हमारा बहुत आगे आया है, और अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं सेकेंड एसी में, HA1 कोच में। और ट्रेन के बारे में बता तो ये है पुष्पक एक्सप्रेस CS-72 लखनऊ जाने वाली, तो इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ये ट्रेन में तो फिर आपको क्या क्या चीज़, मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है उन्हें सब बताने वाला हूँ। कल्याण से निकल गई है गाड़ी और मज़ा आने वाला है, ठीक है। अभी एकदम बैग सेट कर ले तो फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। तब तक ले बाय। तो ना अभी मैं आपको ट्रेन के बारे में बताता हूँ। तो ये ट्रेन है 0253 मुंबई CS-72 लखनऊ पुष्पक एक्सप्रेस, और ये इसका टाइप है डेली चलती है, 16 स्टॉप्स फ्रॉम CST2 लखनऊ के लिए, और 24 घंटा 20 मिनट में अपनी जर्नी कंप्लीट कर। गाड़ी के कोचेस के बारे में बता दूँ ना मैं आपको, तो ये गाड़ी में फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, अनरिजर्व और स्लीपर कोच आपको इसमें सुविधाएं मिल जाएंगी। और मैं ये बोल रहा था कि इसमें इंजन लगता है VAP 7 अजनी का, इसी से डाइवर्ट होने वाली है। तो ये सेम नहीं है जो बोलते रहते ना कल्याण टू आगरा एंड आगरा टू कल्याण, ये वो वाला नहीं होने वाला है। हम झांसी से डाइवर्ट हो जाएंगे लखनऊ के लिए, और ये जर्नी हमारी होगी कानपुर तक, तो बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं पूरी फैमिली है, और इस बार दादा भी है मेरे साथ, तो मज़ा आने वाला है। और हमें एक प्राइवेट मतलब वापस एक कूप टाइप मिल गया है लखनऊ में, H1 कोच है हमारा, मिक्स मतलब फर्स्ट AC भी मिक्स है और सेकेंड AC भी। और आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे बता दूँ। तब तक आप कसारा घाट मिलता है आपको ये गाड़ी में एकदम अच्छे से, रेनी सीजन भी है तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से व्यूज़ मिले। इसका जो हॉलिंग स्पीड है ना 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और 10 का मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। तो पहले दिखा दे तो कोच HA1 है हमारा, कैसा है? फुल टाइप मतलब फर्स्ट AC है ये पूरा पार्ट, और फिर आगे सेकंड AC है। तो यही है अपना चीज, ये है मतलब मेरा सीट, ये दादा का सीट था बट मैंने एक्सचेंज करवा लिया, मैंने ये मैं नहीं कह रहा था क्योंकि इसमें एकदम मतलब है ना प्राइवेट कूप टाइप फीलिंग आ रही है, और वो है ही। और यहाँ से अपन को एक अच्छा सा मिरर मिला है, स्टैंड मिला है रखने के लिए, और ये कृपया करके ये चीज़ ना खींचा। और यहाँ पे लाइट्स फैन वगैरह मिला जिसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबसे मेन चीज़ ये। तो गाइस फाइनली अपन को वापस से वैसे कूप मिल गया है, और मेरी सीट उस साइड में आपको जो दिखाया था, और मिला देता वापस से। हाय रेडी? हाय हेलो बेटे। और इस बार ना भाई दादा आया है, ये देखो। हेलो, क्या अभी आया करना है? हाय बेटे, हाय बेटे। तो चलो अभी अपन नाश्ता कर ले, क्योंकि अपन ने नाश्ता नहीं किया है। तो भी आपका अगर कल्याण में रहते हो तो आपको पता होगा अंबर का वड़ा पाव, वो हम बैठ के खा रहे ट्रेन में, मस्त। देखो सॉरी वड़ा पाव नहीं, ये समोसा पाव है वड़ा। हाँ चलो बाय, चेस। तो गाइस अभी अपन फिलहाल पहुंच चुके हैं कसारा स्टेशन पे, और इसका स्टेशन कोड है KSR Air। यहाँ पे है ना इसका ऑफिशियल स्टॉप नहीं है, ये टेक्निकल स्टॉप है, और इसमें है ना पीछे 3 इंजन लगने वाले हैं। मैंने LTT लश्कर में बताया आपको, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बस इंजन ज्वाइन करते हैं अभी कसारा के आगे, अगर थोड़ा बहुत बारिश हुआ तो सीन्स बहुत अच्छे आएंगे, व्यू बहुत अच्छा आएगा। ये देखो और वो जो क्लाउड्स दिख रहे हैं ना बॉस, एकदम बोलते हैं ना एकदम मस्त वाले दिख रहे हैं। मुझे किसी ने बोला था घाट सेक्शन क्यों आप कवर नहीं करते हो, तो इस बार मैं पूरा घाट सेक्शन दिखाने वाला हूँ, ठीक है, इंजॉय।
अपनी गाड़ी इगतपुरी पे है, और देखो पहले डैडी अपने साथ रहते थे, डैडी तो है ही, अभी दादा भी साथ है, यही चाहिए था मेरे को। हाँ चल बाय। पूरी निकल गई है, ये ऑफिशियल स्टॉप नहीं है, ये टेक्निकल स्टॉप है, बस यही चीज़ मज़ा है क्योंकि हम लोग तीनों मतलब जाते ना मज़ा आता है। ऐसे प्यार मोहब्बत वाले, प्यार मोहब्बत वाले लोग, बाय तो करो। फर्स्ट एसी एंड फर्स्ट एसी कम सेकंड टायर, तो फर्स्ट एसी के स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लोर करना। तो इस ये आ गए अपन पुष्पक एक्सप्रेस डाउन और अप दोनों का फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट। और इसकी सीट भी एकदम लंबी कंफर्टेबल है और एकदम स्पेस ज़्यादा दे दिया आपको। ये देखो इसमें आपको स्पेस ज़्यादा दिया, दो लार्ज विंडो जो कि बहुत ही सही है। आप यहाँ पे भी बैठे हो तो भी आपको व्यू दिखेगा, आप यहाँ पे भी बैठे हो तो भी आपको व्यू दिखेगा, बेस्ट थिंग। और सीट्स भी एकदम काफ़ी लंबी है, जैसे मेरी फैमिली है, हम लोग तीन जन एक सीट पर बैठ पाते हैं, तो यहाँ पर तो मेरी पूरी फैमिली बैठ जाएगी। और ऊपर से ऊपर भी एक सीट है जो वो पूरी कवर है, उसको आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको अच्छे से बताइए तो स्टेप्स दिए गए हैं, यहाँ पे सीट्स ये फोल्ड हो सकती है। और ये देखो लैम्प चालू है, देखो वो गर्म हो गया है, लैम्प दिया है और ये डोर दिया है, वापस ये इस चीज़ और ये सीट, इसमें कुछ रख सकते हो, ये देखो ड्रिंक्स वगैरह, मतलब ऐसे कोई चीज़ रख सकते हो, मुझे पता नहीं काहे के लिए, बट आई थिंक मुझे लग रहा है कि कुछ रख सकते हो आप यहाँ पे, हाँ कुछ रख सकते हो हाँ। और यहाँ पे सामान वगैरह, यहाँ पे आपको बेल मिल गया है, अगर आप स्टाफ है, स्टाफ आपको आके पूछेगा कि आपको काहे की चीज़ की हेल्प चाहिए। और बाकी के लिए बेस्ट फर्स्ट एसी सेकंड एसी, मज़ा आ रहा है, कहीं भी बैठो मज़ा आ रहा है। तो भाई जो है अपना दोपहर का खाना हमें अपन एंजॉय करता है, ये कुछ तो है चपाती। तो गाइस अभी अपन है ना, तो गाइस ये देखो ऐसा सेटअप हो गया है अपना, यहाँ पे अपना ब्लैंकेट और सोने की तैयारी चालू है। अभी अपन नासिक निकल गया, नासिक रोड पे गोप्रो को चार्जिंग पे लगा दिया था, तो इसके लिए नासिक पे इसका ऑफिशियल स्टॉप है कल्याण के बाद, वो कसारा इगतपुरी टेक्निकल स्टॉप दो बन जाते हैं। तो बस अभी चलते हैं थोड़ा आराम करने क्योंकि खाली है पेट भर के। तो गाइस देखो एकदम चिल मार के लेटा हूँ मैं और सामने मेरे को मस्त वाला व्यू दिख रहा है। और यहाँ पे फर्स्ट एसी है, यहाँ पे सेकंड एसी रेडी है, और मैं बस व्यूज़ एंजॉय कर रहा हूँ, माउंटेन्स आ रहे हैं, ग्रीनरी आ रही है, तो ये सीट इज मतलब बहुत लकी है, ये सीट शायद मैं लकी हूँ। तो गाइस वापस से गुड मॉर्निंग और मैं उड़ गया हूँ अभी, अभी का टाइम है ना 3:10 हो रहा है और अपन है ना अभी ना भुसावल पहुँच चुके हैं BSL, और यहाँ पे गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट है, 440 किलोमीटर कवर हो चुके हैं। नासिक और मनोहर दोनों स्किप कर दिया था क्योंकि मैं सो गया था, मैं सभी सो के उठा हूँ। सो गाइस वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम भुसावल जंक्शन और यहाँ पे ना हमारा 5 मिनट का हॉल्ट था, टोटल 441 किलोमीटर्स कवर हो गए CST से यहाँ तक। और गाड़ी का मैं बोल रहा हूँ नॉन स्टॉप, मतलब ये गाड़ी की है ना एज़ कम्पेयर टू पंचामेल मंगला और मतलब वो गाड़ी के हिसाब से इसके ना हॉल्ट्स कम है और एकदम मतलब कंटिन्यूस चलती रहती है, रनिंग में रहती है गाड़ी। तो गाइस स्पीड ऑलमोस्ट 110-100 तक चल रही है, मज़ा आ रहा है, एक बार बाहर से व्यू दिखा देता हूं। तो गाइस मैं अभी आपको 0-534 CSMT लखनऊ पुष्पक एक्सप्रेस का फेयर बता देता हूँ। तो इसमें सेकंड सीटिंग का है ₹350 और आपको स्लीपर का ₹635 देना पड़ेगा, थर्ड एसी का 1665 एक ₹1665, सेकंड एसी का आपको देना पड़ेगा ₹2385 जो कि हम ट्रैवल कर रहे हैं। और सेकंड एसी का आपको इसमें दो कोच मिल जाएगा, थर्ड एसी का भी दो कोच और हाफ कोच फर्स्ट एसी का मिल जाएगा, और फर्स्ट एसी का फेयर है ₹4045, तो आप लोग एंजॉय कर सकते हो। तो
गाइस अभी अपन पहुंच चुके हैं खंडवा जंक्शन और इसका स्टेशन कोड है KNW और यहाँ पे 3 मिनट का हॉल्ट है। हमारी गाड़ी 5 मिनट पहले आके खड़ी हो चुकी है। 564 किलोमीटर कवर हो चुके हैं और अब तक जर्नी में बहुत मज़ा आ रहा है भाई। ठीक है देखो हो रहा है 6:11 हो रहा है अभी, मतलब कुछ भूख लग रही स्नैक का टाइम में। मम्मी को बोलता हूँ कुछ देने को, आधे से ज़्यादा बुक रीड करके हो गया है। देखो यहाँ तक आ गया, मैं इतना तो पढ़ लिया मैंने और मतलब मज़ा आया। अब नींद भी आ रही है मेरे को। तो गाइस दिन पे दिन मतलब है ना ये जर्नी में बहुत बेस्ट जा रही है। और एक और अच्छा फीचर मैं बोल रहा हूँ ना कि ये लाइट मिली है मेरे को, तो यहाँ पे खड़े होकर मैं एकदम बात कर सकता हूँ। और है ना हमारा हमारी गाड़ी अभी ईटी आ गई है, इटारसी जंक्शन। 7:30 का टाइमिंग है और 7:33 3 मिनट लेट है। तो गाइस अपन ऑलमोस्ट इटारसी जंक्शन पहुंच चुके हैं और इसका स्टेशन कोड है ईटी। यहाँ पे है ना 5 मिनट का हॉल्ट है, 7:30 का टाइमिंग करेक्ट है और गाड़ी एकदम करेक्ट हो गई। यहाँ से मैंने अभी आमलेट ले लिया है, डैडी और दादा पीछे हैं तो मैं फटाफट रख के आता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हबीबगंज स्टेशन पे और इसका स्टेशन कोड है HBJ और यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। 7:58 का टाइमिंग था और करेक्ट मतलब टाइम पे आज एकदम मेट्रो टाइप फीलिंग आ रही है यहाँ पे आने की मेरे को, तो पूरी एकदम मेट्रो टाइप फीलिंग। अभी दादा कहाँ जा रहा है मैं देखता हूँ। हेलो चला जाए चाय कर दो जीरू देख भाई अपनी गाड़ी लखनऊ मुंबई HA1 कोच है अपना। देखो दादा जला रहा है और ये कोच है। तो अभी अपन अंदर चलते हैं और थोड़ा ये ट्रेन के मज़े लेते हैं यहाँ पे और फिर अपन अंदर चलते हैं। ठीक है देखो दादा चिढ़ा रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये देखो सो इट्स ऑलमोस्ट भोपाल स्टेशन। हम लोग रुके थे बट बहुत भीड़ था, बहुत ही भीड़ है यहाँ पे रश। और हमारी गाड़ी ना पूरी फुल हो गई है, फर्स्ट AC भी पूरा फुल हो गया है और सेकंड AC तो हमारा वैसे पहले से फुल है, सिर्फ एक सीट बाकी जो अभी तक आया कोई नहीं है मेरे साथ। आना भी नहीं चाहिए, मैं बस इंजॉय करके जाऊँगा। और भोपाल पे ना इसका 10 मिनट का हॉल्ट है। 840 किलोमीटर्स कम्प्लीट हो चुके हैं अब तक और अभी हमारी आगे की जर्नी शुरू। गाइस हमारी गाड़ी अभी स्किप कर रही है बीना जंक्शन को और अभी का टाइम हो रहा है 11:04। टोटल 201 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप कवर कर रही है अभी हमारी गाड़ी फ्रॉम भोपाल टू ललितपुर। अभी हमारा A few moments later. तो ये दादा कानपुर सेंट्रल पे घूम रहा है। दादा हाय कर, दादा हेलो बेटा, हेलो बेटा। डैडी का स्टाइल हो वो, डैडी का स्टाइल हो। तो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुष्पक एक्सप्रेस और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल। इसका स्टेशन कोड है CNB। 7:50 को आने वाली थी बट अभी टाइमिंग हो रहा है 7:30, देखो 20 मिनट पहले आके खड़ी हो चुकी है। 10 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे और फिर यहाँ से मतलब 1352 किलोमीटर्स कवर हो चुके हैं और बस अभी हम चिल मार रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही बेकार है, तो आ गया अभी आगे क्या, अभी इधर से उधर से भुसावल जैसे पारो ऐसे गर्म होने वाला है।
तो गाइस ये रही ट्रेन, और तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अब अपने डेस्टिनेशन पे। और बस अब वही है कि मैं क्या बार बार याद दिलाना भूल जाता हूँ, और अब याद रखना कि आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो लाइक करना वीडियो को, अपने रियल फैन के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। और चलो अभी अपन चलते हैं।